विवेक, बस कुछ ही वक्त में वैक्सीन पहुंच जाएंगी और वैक्सीनेशन ड्राइव में और तेजी आएगी। 18 साल से 44 साल के लोग इसमें शामिल होंगे। और क्या कुछ गाइडलाइंस और क्या तस्वीर आज के दिन देखने को मिलेगी? देखिए पूर्णिया, बात की जाए तो इस वक्त मौजूद हूँ न्यू राजेंद्र नगर विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ठीक बाहर, और ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है और यहाँ पर अब लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको एक शख्स जो है वो यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे, ये वैक्सीन लगाने के लिए पहुँचे हैं और अभी एक ही मिनट पहले यहाँ पर वैक्सीन जो है वो पहुँची है। 9 बजे का वक्त है जिसके बाद यहाँ पर वैक्सीन जो है उसे लगाने का काम शुरू हो जाएगा। लगातार जिस तरह से देखा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, उस पर लगाम लगाने के लिए ये सरकार द्वारा एक ठोस कदम उठाया गया है। अब 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को आज से पूरी तरह से यहाँ पे दिल्ली के अंदर वैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। इस सेंटर की बात की जाए तो जानकारी के मुताबिक तकरीबन आज के दिन 750 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाने वाली है। लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है और उनको एक निर्धारित समय दिया गया है, उसी निर्धारित समय पर यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और वैक्सीन लगाएंगे। तो साफ है कि जिस तरह से सरकार ने ठोस कदम उठाया है, आज उसका जो लोगों की जो कतारें हैं उन्हें देखते हुए ये भी निर्णय लिया गया है कि 77 सरकारी स्कूल जो है उसे कोविड सेंटर, उसे वैक्सीन सेंटर जो है वो बनाया गया है। अस्पतालों में भीड़ ना लगे इसके चलते निर्णय लिया गया है और लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सेंटरों पर भीड़ ना लगाएं। अपना समय जो दिया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि कतार ना लगाएं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं, जो समय निर्धारित है उस पर आप पहुंचें। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में विवेक, आज टारगेट क्या है? कितने रजिस्टर्ड ऐसे लोग हैं जो पहुंचेंगे आज वैक्सीन लगवाने के लिए? देखिए फिलहाल की बात की जाए तो अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं कितने लोग पहुंचे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाया गया है। इस सेंटर की बात की जाए तो हमें जानकारी मिली कि 750 लोगों को यहाँ पर वैक्सीन जो है वो लगाई जाने वाली है। आने वाला थोड़ा सा समय बीतेगा तो पूरी डिटेल सामने आएगी, लेकिन ये साफ है कि आज से एक बड़े स्तर पर शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को आज वैक्सीन लगने जा रही है। बिल्कुल, बहुत जरूरत है उसकी विवेक, क्योंकि पहले था कि मास्क का इस्तेमाल करें, 2 गज की दूरी आप बनाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल लोग कर रहे थे। अब कोरोना से बचाव में एक कड़ी ये है कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवाएं। शुक्रिया विवेक आपका जानकारी के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।